इसराइल के हमलों से दहला लेबनान। लेबनान के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्से में इसराइल ने एयर स्ट्राइक की। इन हिस्सों में हिजबुल्ला के करीब 300 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इन हमलों में अभी तक करीब 492 लोगों की मौत हुई है। करीब 1600 से अधिक लोग यहाँ पे घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्ला के वरिष्ठ कमांडर अली कराकी की भी मारे जाने की खबर यहाँ पर मिली है। हमलों से पहले इसराइल ने लेबनान के लोगों को जारी किया था इलाके को खाली करने का संदेश, और इन हमलों के बाद इसराइल ने अपने देश में इमरजेंसी का ऐलान किया है। तो हमलों से पहले इसराइल ने देखिए लेबनान के लोगों से इलाके को खाली करने का संदेश दिया था, और उसके बाद इसराइल ने अपने देश में इमरजेंसी घोषित की है। इसराइल के हमलों से लेबनान पूरा दहला हुआ नजर आ रहा है। लेबनान के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्से में इसराइली एयर स्ट्राइक की। इन हिस्सों में हिजबुल्ला के करीब 300 ठिकानों को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि इन हमलों में अभी तक करीब 492 लोगों की मौत हुई है। करीब 1600 से अधिक जो लोग हैं वो यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्ला के वरिष्ठ कमांडर की भी मारे जाने की खबर यहाँ पर मिल रही है। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।